हेलो फ्रेंड्स, मितूज किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको घर पर बहुत आसान तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसा चॉकलेट कंपाउंड बनाना बता रही हूँ। मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे बिना मोल्ड के घर पर ही चॉकलेट को जमा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक भगोने के अंदर पानी रख लिया है, तो ये मैंने आधा भगोना पानी लिया है। फ्रेंड्स, आज हम डबल बॉयलर मेथड यूज़ करके चॉकलेट बना रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी शेयर की हैं जिनमें मैंने डबल बॉयलर मेथड यूज़ किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। वो चॉकलेट रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी। अब भगोने में पानी हमारा गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर हम दूसरा भगोना यानी दूसरा कोई ऐसा बर्तन रख लेंगे जो इसके ऊपर फिट बैठ जाए। आप चाहें तो कोई भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, कांच का कोई माइक्रोवेव सेफ बाउल ले सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने नॉर्मल स्टील का बर्तन रख लिया है इसके ऊपर। अब हम इसमें बटर डालेंगे, तो ये मैंने 1/4 कप बटर लिया है फ्रेंड्स, और अगर आप चम्मच से बात करते हैं तो लगभग 4 बड़े चम्मच मैंने बटर यहाँ लिया है। फ्रिज में रखा हुआ बटर हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पे जो बटर होगा उसे ही इस्तेमाल करेंगे ताकि बटर हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमें बटर को मेल्ट कर लेना है। गैस के फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा तेज नहीं कर रखा है फ्रेंड्स, लो टू मीडियम के बीच में ही हम गैस के फ्लेम को रख कर सारा चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस पूरा करेंगे। तो ये देखिए, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। लगभग 1 मिनट में ही बटर मेल्ट हो जाता है। अब हम इसमें ये 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइसिंग शुगर ना हो तो ये पिसी हुई चीनी आप डालकर बनाइएगा। तो चीनी को मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेने से हमें चीनी का पाउडर मिल जाता है। तो ये देखिए, मैंने चीनी और बटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें अगली चीज़ डालने वाले हैं, वो है कोको पाउडर। तो ये मैं 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ हम डार्क कंपाउंड बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का अगर कोको पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 बड़े चम्मच काफ़ी होगा इतने मेजरमेंट के लिए, लेकिन अगर आप लोकल ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोको पाउडर की मात्रा को बढ़ा लेना होगा। बस कोको पाउडर डाल के भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। लगभग 1 मिनट में इसे अच्छे से लो फ्लेम पर ही ऐसे ही चलाती रहूँगी। जितना देर आप चॉकलेट को चलाएंगे उतनी ही बढ़िया आपकी चॉकलेट बनकर तैयार होगी, उतना ही बढ़िया चॉकलेट में ग्लेज आएगा फ्रेंड्स। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। तो लगभग 4 से 5 बूंदे मैं वनीला एसेंस की इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मैंने वनीला एसेंस डाल लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बाउल में चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करना है। लगभग 1 मिनट तक मैं इसे अच्छे से फेटूंगी। जितना अच्छे से आप चॉकलेट फेट लेंगे उतनी ही बढ़िया शाइनी ग्लोसी वाली चॉकलेट आपकी बनकर तैयार होगी। तो चलिए, चॉकलेट का मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों में आप ये चॉकलेट के मिक्स को जमा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मोल्ड्स लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, तो कोई भी आप इस तरीके का प्लास्टिक बाउल यूज़ कर सकते हैं। बस उसको पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें और उसके बाद आप अपनी चॉकलेट के मिक्स को इसमें फैला लें ताकि ये आसानी से इसमें से बाद में निकल आए। इसी तरीके से आप कोई भी आइस की ट्रे ले सकते हैं, इसे भी आपको ग्रीस कर लेना होगा ऑयल से। फिर आप जो बिस्किट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसमें इस तरीके के रैपर्स निकलते हैं, तो उनमें भी आप चॉकलेट को जमा सकते हैं। ये देखिए, 5-5 रुपीज़ के जो पैक आते हैं उनके साथ ये इस तरीके के रैपर्स आते हैं, तो आप उनमें जमा सकते हैं। चॉकलेट के जो आप पैक्स खरीदते हैं मार्केट में, उनके साथ जो रैपर आते हैं उनमें भी जमा सकते हैं। या फिर ये मार्केट में सिलिकन मोल्ड आता है फ्रेंड्स इस तरीके का, तो आप ये ले सकते हैं। प्लास्टिक मोल्ड्स भी आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ में आप अपनी चॉकलेट को बहुत आसानी से जमा सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा चॉकलेट का मिक्स बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप बाउल में कितना ग्लोसी लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने बिस्किट का एक रैपर ले लिया है फ्रेंड्स, तो इसी के अंदर मैं आज चॉकलेट को जमा दूंगी। तो इसके अंदर मैं अपना चॉकलेट का मिक्स है इसे डाल देती हूँ। क्योंकि मैं कंपाउंड शेप बनाना चाह रही हूँ तो मैं इस तरीके के रैपर में जमा रही हूँ, नहीं तो सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सुंदर सुंदर चॉकलेट चाहिए, डिज़ाइनर चॉकलेट चाहिए, तो आप सिलिकॉन मोल्ड्स का यूज़ कीजिएगा।
तो मोल्ड को मैंने भर लिया है, दोनों मोल्ड्स में मैंने चॉकलेट डाल दिए। तो अब हम चॉकलेट के मिक्स को 10 मिनट के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चॉकलेट सेट हुई है, मैं आपको इसमें से निकाल कर दिखा देती हूँ। बहुत इजीली निकल जाती है, बस रैपर उल्टा किया और हमारी चॉकलेट बाहर आ गई है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम दूसरी चॉकलेट भी निकाल लेंगे। ये देखिए तो दूसरी चॉकलेट भी निकल आई है, ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा डार्क कंपाउंड बनकर तैयार हो गया है, यानी डार्क चॉकलेट रेडी हो गई है। तो अगर आप चाहें तो इसी में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके चॉकलेट जमा सकते हैं, बिस्किट के क्रम को ऐड कर सकते हैं, अपने तरीके से आप अपनी चॉकलेट को जमा कर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।